महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा ने लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में 2 महिलाएं थी, इस बार 11 सीटों में से 2 नहीं 4 महिलाओं को खड़ा किया जाएगा। महिला कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के ध्येय से छत्तीसगढ़ पहुंची राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा रायपुर में मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी लगातार हमारे नेताओं को टारगेट कर रही है।
ये बातचीत पूरी भी हो चुकी है, जिन राज्यों में हमारी बातचीत हमारे सहयोगियों से पूरी हो चुकी है, जल्द ही हम उन राज्यों में अपने उम्मीदवारों की, ज्वाइंट उम्मीदवारों की, इंडिया अलायंस उम्मीदवारों की घोषणा भी करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है एनडीए के 38 दल, कहां है लोकतंत्र कोई नहीं पूछ रहा, कहां बैठ के हो रही है, क्या चर्चा चल रही है, महाराष्ट्र में कौन कितनी पर लड़ी है कोई एनडीए भाजपा से नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता हरियाणा में जेजेपी कितने पर लड़ेगी वो कितने पर लड़ेगी, कोई नहीं पूछता पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा का साथ छोड़ दिया वहां पे ही लड़ेगी क्या करेगी, कोई नहीं पूछता कि तमिलनाडु में AIADMK भाजपा का साथ छोड़ दिया है वहां कौन कैसे लड़ेगा, सारे सवाल इंडिया अलायंस से पूछे जा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र उन सभी सवालों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र यहाँ बैठकी हो रही है, मीटिंग हो रही है, संवाद हो रहे हैं, और वहां पर एक अकेला तानाशाह पूरे 38 दलों पर भारी है, कोई संवाद कोई मीटिंग नहीं है, किसी ने भी आवाज उठाई 38 दलों में से उनके बिगड़ के ही पहुंचेगी और वो जेल में होंगे, इसके लिए यहाँ लोकतंत्र है। एक बात आपकी बात करने से पहले मैं कह देना चाहता हूँ, देश में इस समय बहुत बड़ा घटनाक्रम हो रहा है, स्वाभाविक है पत्रकार साथी सवाल भी करें, मुझे मालूम है पत्रकार साथी लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ जिसे कहा जाता है, 10 साल से इंतजार कर रहे कि देश के प्रधानमंत्री भी कम से कम जाते जाते एक प्रेस वार्ता तो कर जाए, देश में बेरोजगारी, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, सरहदों पर चीन से मिलती चुनौतियां, बलात्कार, वाराणसी मुझे नहीं मालूम, जरूर पत्रकार साथी प्रधानमंत्री जी प्रेस वार्ता करते तो पूछते, प्रधानमंत्री जी आपके संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में आपके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के BHU में पढ़ने वाली IT की छात्रा बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले कोई और नहीं भाजपा के IT सर के 3 लोग हैं, आप खामोश क्यों?